दोस्तों, आज हमें कर्म वीरांगना से आपकी बात कराते हैं और आपको ये बताते हैं कि उन्होंने इस कोरोना की जंग को कैसे जीता। आइए। हेलो, मधुलिका जी बोल रही हैं। हमें आपटे जी ने आपके बारे में बताया था। जी, मैं मधुलिका चौधरी बोल रही हूँ। 6 साल से मैं यहाँ जिला चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। आपकी ड्यूटी क्या, ये जो कोरोना के मरीज हैं वहाँ लगी हुई थी क्या? नहीं, मेरी ड्यूटी कोरोना वार्ड में नहीं थी, मेरी ड्यूटी मेल मेडिसिन वार्ड में थी। तो मतलब वहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले, हार्ट पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस वाले, सभी प्रकार के पेशेंट्स को मेडिसिन वार्ड में वहाँ रखा जाता है, तो वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। अच्छा अच्छा, तो आपको कितनी तारीख को मालूम पड़ा कि आप भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो गई? सर, हम लोग को 21 तारीख की रात में हमारा टेस्ट हुआ था और उसके बाद 23 तारीख को जब हमारी कोविड की रिपोर्ट आई तब उसमें पता चला कि मैं कोरोना से संक्रमित हो चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर कहाँ पर आपका इलाज हुआ? सर, हमारा इलाज माधव नगर अस्पताल में हुआ। चूँकि हम लोग स्टाफ के थे इसलिए हमें माधव नगर में रखा गया था। तो फिर डॉक्टर साहब ने हमें, जो वहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर सोनानिया साहब ने, वो उनने फिर हमें माधव नगर अस्पताल में ही रखा था। सही है। और उसके बाद क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? जैसे अब आप आई हैं तो अब क्या प्रिकॉशन रख रही हैं आप, अब क्या कर रहे हैं? सर, चूंकि अभी तो अब हम होम हॉस्पिटल में तो हम पूरा प्रिकॉशन रखते हैं, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजेशन, हर चीज मेंटेन करते हैं। क्योंकि अब हम घर में आ चुके हैं इसलिए हमें घर में और ज्यादा प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हमारे साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। पूरा परिवार भी, आपकी बच्ची की भी आवाज आ रही है पीछे से। हाँ सर, मेरे छोटे बच्चे हैं दो घर में, तो हमने पहले से प्रिकॉशन रखा हुआ था। इसीलिए मुझे इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि मेरे बच्चे कोविड से संक्रमित नहीं हुए। हमने पूरा प्रिकॉशन रखा, हॉस्पिटल से आने के बाद भी घर में पूरा सैनिटाइजेशन मेंटेन किया। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप ये 14 दिन का जो क्वारंटाइन है पूरा करने के बाद फिर ड्यूटी में ज्वाइन करेंगे आप? फिर कोरोना लोगों की, जिनको कोरोना से इन्फेक्टेड है, उनकी सेवा करना चाहेंगे आप? मैं तो बिल्कुल जाऊंगी, मेरी ड्यूटी है, जाना तो है। अभी तो 14 दिन के क्वारंटाइन पे हूँ, लेकिन अब मैं अपनी ड्यूटी पे वापस जाऊंगी। अब यदि मेरी ड्यूटी कोरोना वार्ड में भी लगाई जाती है तो जैसे जैसे हमको सपोर्ट किया माधव नगर स्टाफ ने, वैसे मैं भी ड्यूटी जाके और जो पेशेंट कोरोना से संक्रमित होते हैं अब मैं उन्हें जाके ट्रीट करना चाहूंगी, उनका हिम्मत हौसला बढ़ाना चाहूंगी और बिल्कुल वापस जाऊंगी। दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोग अगर इस हिंदुस्तान में हैं तो हम कोरोना को जरूर हराएंगे। आपकी भावना को मैं जन जन तक पहुंचाना चाहूंगा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डट के लड़ने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, आपसे बात करके अच्छा लगा दीदी। जय हिंद दीदी। तो दोस्तों, ये थी मधुलिका चौधरी जी, जिन्होंने कोरोना से डट के सामना किया और उन्होंने ये संदेश दिया कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत।